नायब सिंह सैनी इस वक्त मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है क्या, जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है। उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, गरीब के लिए बनाई हैं, किसान के लिए बनी है, मजदूर के लिए बनी है, जो उन्होंने नीतियां महिलाओं के लिए बनाई है, जो युवाओं के लिए बनाई है, ये उन नीतियों का परिणाम है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों को ऊपर आज मोहर लगाई है, ये डबल इंजन की सरकार को ने मोहर लगाई है, इनकी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे प्रदेश की जनता का, और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप ये ऐतिहासिक जीत है क्योंकि आपसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी के नाम पर नहीं मिली थी, नायब सिंह सैनी के नाम पर इस बार हरियाणा में कंप्लीट मेजोरिटी मिली है। ये कार्यकर्ताओं की जीत का परिणाम है, ये कार्यकर्ताओं का। ये कार्यकर्ताओं की जीत आप देखिए, कार्यकर्ताओं को देखिए, इनकी जीत का परिणाम है, ये इनका आशीर्वाद है, इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत से ही आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, मोदी जी के नेतृत्व में लगाई है, ये डबल इंजन की सरकार ने लगाई है। दूसरी बार शपथ कब लेंगे? अभी बताएंगे आपको, बताएंगे। हरियाणा में बहुत बड़ी जीत ये मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जिस जीत की उम्मीद नहीं थी, सारे एग्जिट पोल आपके खिलाफ जा रहे थे, उन एग्जिट पोल को धता बताते हुए आपने बड़ी जीत दर्ज की। ये देखिए, विपक्ष का एक इस प्रकार का रूमर था, मैं बार बार कह रहा था ऐतिहासिक जीत होगी, ये हरियाणा के लोगों की जीत है। गरीब ने, वंचित ने जिस प्रकार से बाहर निकल करके अपने एक छोटे बेटे को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उनके ऊपर मोहर लगाई है, आज उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है। कांग्रेस झूठ नहीं बिकेगा। मैंने कहा था कि इनका झूठ हिमाचल में बिका, इनका झूठ कर्नाटक में बिका, इनका झूठ तेलंगाना में बिका, इनका झूठ न राजस्थान में चला, न मध्य प्रदेश में चला, न छत्तीसगढ़ में चला, और न अब हरियाणा में चला। अब ईवीएम ये उनको पूछ रहा, देखिए ये उनकी फितरत है, आप उनसे बात करिए, मैं दो दिन के बाद कल बात करूंगा आपसे। मैंने कहा है गरीबों ने खूब वोट दिया है, मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, साधारण परिवार का बालक हूँ, और जिसको नीचे पता है, डट करके मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, खुल करके काम करेंगे। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी नीरज पांडे के साथ की, और आपने सुना नायब सिंह सैनी को, सीधे सीधे हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में जो बीजेपी को जीत मिली और ये जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हरियाणा में जो जीत की हैट्रिक लगाई है, दरअसल ये प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से मिली है। वो नीतियां जो गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के हित की नीतियां हैं, इसी वजह से हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी सरकार पर मोहर लगा दी है, और वो भी हैट्रिक वाली जीत, ऐतिहासिक जीत जो इस बार बीजेपी को हरियाणा में मिली है। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी ने इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा, और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हरियाणा की जनता ने भरोसा बीजेपी पर जताया, और बीजेपी को 2014-2019 के मुकाबले ये बड़ी जीत जो इस बार 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।